एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक सीधे साधे लड़के से की जाती है जिसके घर में एक माँ के अलावा और कोई नहीं है। दहेज में लड़की को बहुत सारे उपहार और पैसे मिले होते हैं। लड़की किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी और लड़का भी। लड़की शादी होके आ गई अपने ससुराल। सुहागरात के वक्त लड़का दूध लेके आता है तो दुल्हन सवाल पूछती है अपने पति से। एक पत्नी की मर्जी के बिना पति उसको हाथ लगाए तो उसे बलात्कार कहते हैं या हक? पति ने कहा, आपको इतनी लंबी और गहरी जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस दूध लाया हूं, पी लीजिएगा, हम सिर्फ आपको शुभ रात्रि कहने आए थे, कह के कमरे से निकल जाता है। लड़की मन मार कर रह जाती है क्योंकि लड़की चाहती थी कि झगड़ा हो ताकि मैं इस गवार से पीछा छुड़ा सकूं। है तो दुल्हन मगर घर का कोई भी काम नहीं करती, बस दिन भर ऑनलाइन रहती और न जाने किस किस से बातें करती। मगर उधर लड़की की माँ बिना शिकायत के दिन भर चूल्हा चौका से लेकर घर का सारा काम करती मगर हर पल अपने होठों पर मुस्कुराहट लेके फिरती। लड़का एक कंपनी में छोटा सा मुलाजिम है और बेहद ही मेहनती और ईमानदार। करीब महीने भर बीत गए मगर पति पत्नी अब तक साथ नहीं सोए। वैसे लड़का बहुत शांत स्वभाव वाला था इसलिए वह ज्यादा बातें नहीं करता था, बस खाने के वक्त अपनी पत्नी से पूछ लेता था कि कहाँ खाओगी, अपने कमरे में या हमारे साथ। और सोने से पहले डायरी लिखने की आदत थी जो वह हर रात को लिखता था। ऐसे लड़के के पास एक स्कूटी था, वह रोज बाहर जाती थी पति के ऑफिस जाने के बाद और पति के वापस लौटते ही आ जाती थी। छुट्टी का दिन था, लड़का भी घर पे ही था तो लड़की ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कह के माँ को अपशब्द बोल के खाना फेंक देती है। मगर वह शांत रहने वाला उसका पति अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है मगर माँ अपने बेटे को बहुत डांटती है। इधर लड़की को बहाना चाहिए था झगड़े का जो उसे मिल गया था। वह पैर पटकती हुई स्कूटी लेके निकल पड़ती है। लड़की जो रोज घर से बाहर जाती थी वह अपने प्यार से मिलने जाती थी। लड़की भले टूट कर चाहती थी लड़के को मगर उसे पता था कि हर लड़की की एक हद होती है जिसे इज्जत कहते हैं, वह उसको बचाए रखी थी। इधर लड़की अपने प्यार के पास पहुंचकर कहती है, अब तो एक पल भी उस घर में नहीं रहना है मुझे, आज गवार ने मुझ पर हाथ उठा के अच्छा नहीं किया। लड़की ने कहा, अरे तुमसे तो मैं कब से कहता हूँ कि भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम हो कि आजकल आजकल पे लगी रहती हो। लड़की ने कहा, शादी के दिन मैं आई थी तो तुम्हारे पास, तुम्ही ने तो लौटाया था मुझे। लड़की ने कहा, खाली हाथ कहाँ तक भागोगे, तुम ही बोलो, मैंने तो कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ ले लो, तुम तो खाली हाथ आई थी। आखिर दूर एक नई जगह में जिंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। लड़की ने कहा, तुम्हारे और मेरे प्यार के बारे में जानकर मेरे घर वालों ने बैंक के पासबुक, एटीएम और मेरे गहने तक रख लिए थे, तो मैं क्या लाती अपने साथ, हम दोनों मेहनत करके कमा भी तो सकते थे। लड़के ने कहा, चलाकर इंसान पहले सोचता है और फिर काम करता है, खाली हाथ भागते तो ये इश्क का भूत दो दिन में उतर जाता, समझी? और जब भी तुम्हें छूना चाहता हूँ, बहुत नखरे हैं तुम्हारे, बस कहती हो शादी के बाद। लड़की ने कहा, हाँ शादी के बाद ही अच्छा होता है ये सब, और सब तुम्हारा तो है, मैं आज भी एक कुंवारी लड़की हूँ, शादी करके भी आज तक उस गवार के साथ सो न सकी क्योंकि तुम्हें ही अपना पति मान चुकी हूँ, बस तुम्हारे नाम की सिंदूर लगानी बाकी है, बस वह लगा दो, सब कुछ तुम अपनी मर्जी से करना। लड़की ने कहा, ठीक है मैं तैयार हूँ मगर इस बार कुछ पैसे जरूर साथ लेके आना, मत सोचना हम दौलत से प्यार करते हैं, हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, बस कुछ छोटी मोटी बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। लड़की ने कहा, उस गवार के पास कहाँ होगा पैसा, मेरे बाप से 3 लाख रुपया ऊपर से मारुति कार ली है, बस कुछ गहने हैं, वह लेके आओगे आज। लड़का लड़की को होटल का पता देकर चला जाता है। लड़की घर आके फिर से लड़ाई करती है मगर अफसोस वह अकेली चिल्लाती रहती है, उससे लड़ने वाला कोई नहीं था। रात 8 बजे लड़के का मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि कब आ रही हो। लड़की जवाब देती है, सब्र करो कोई सोया नहीं है, मैं 12 बजे से पहले पहुंच जाऊंगी क्योंकि यहां तुम्हारे बिना मेरी सांसें घुटती है। लड़के ने कहा, ओके जल्दी आना, मैं होटल के बाहर खड़ा रहूंगा, बाय। लड़की अपने पति को बोल देती है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मैंने बाहर खा लिया है इसलिए मुझे कोई परेशान न करे। इतना कह के दरवाजा बंद करके अंदर आती है
कि पति बोलता है कि वह अलमारी से मेरी डायरी दे दो, फिर बंद करना दरवाजा, हम परेशान नहीं करेंगे। लड़की दरवाजे खोले बिना कहती है कि चाबियां दो अलमारी की। लड़के ने कहा, तुम्हारे बिस्तर के पैरों तले है चाबी। मगर लड़की दरवाजा नहीं खोलती, बल्कि जोर जोर से गाना सुनने लगती है। बाहर पति कुछ देर दरवाजा पीटता है, फिर हार कर लौट जाता है। लड़की ने बड़े जोर से गाना बजा रखा था। फिर वह अलमारी खोल के देखती है जो उसने पहली बार खोला था, क्योंकि वह अपना सामान अलग अलमारी में रखती थी। अलमारी खोलते ही हैरान रह जाती है। अलमारी में उसके अपने पासबुक एटीएम कार्ड थे, जो उसके घर वालों ने छीन के रखे थे। खोल के चेक किया तो उसमें वह पैसे भी ऐड थे जो दहेज में लड़के को मिले थे, और बहुत सारे गहने भी जो एक पेपर के साथ थे, और उसकी मिल्कियत लड़की के नाम थी। लड़की बेहद हैरान और परेशान थी। फिर उसकी नजर डायरी में पड़ती है और वह जल्दी से वह डायरी निकाल के पढ़ने लगती है। लिखा था, तुम्हारे पापा ने एक दिन मेरी माँ की जान बचाई थी अपना खून देकर। मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने झुक कर आपके पापा को प्रणाम करके कहा कि आपका यह अनमोल एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिन बाद आपके पापा हमारे घर आए, हमारे तुम्हारे रिश्ते की बात लेकर। लेकिन उन्होंने आपकी हर बात बताई हमें कि आप एक लड़के से बेहद प्यार करती हो। आपके पापा आपकी खुशी चाहते थे, इसलिए वह पहले लड़के को जानना चाहते थे। आखिर आप अपने पापा की प्रिंसेस जो थी, और हर बाप अपने प्रिंसेस के लिए एक अच्छा ईमानदार प्रिंस चाहता है। आपके पापा ने खोज करके पता लगाया कि वह लड़का बहुत सी लड़की को धोखा दे चुका है और पहली शादी भी हो चुकी है, पर आपको बता ना सके, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क का नशा है, वह हमेशा अपनों को गैर और गैर को अपना समझता है। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मैं अचंभित हो गया। हर बाप यहां तक शायद ही सोचे। मुझे यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मिले ना मिले, मगर एक दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूं। मुझे दहेज में मिले सारे पैसे मैंने तुम्हारे अकाउंट में जमा कर दिए हैं, और तुम्हारे घर से मिली गाड़ी आज भी तुम्हारे घर पे है, जो मैंने इसलिए भेजी ताकि जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए तो साथ चलेंगे कहीं दूर घूमने। रही बात दहेज की, दहेज इस नाम से नफरत है मुझे, क्योंकि मैंने इस दहेज में अपनी बहन और बाप को खोया है। मेरे बाप के अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी बेटी के बाप से कभी एक रुपया न लेना। मर्द हो तो कमा के खिलाना, तुम आजाद हो, कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच पन्नों पर तलाक की पेपर है, जहां मैंने पहले ही साइन कर दिया है। जब तुम्हें लगे कि अब इस गवार के साथ नहीं रहना है, तो साइन करके कहीं भी अपनी सारी चीजें लेके जा सकती हो। लड़की हैरान थी, परेशान थी। न चाहते हुए भी गवार के शब्दों ने दिल को छुआ था, न चाहते हुए भी गवार के अनदेखे प्यार को महसूस करके पलकें नम हुई थी। आगे लिखा था, मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आपने माँ को गाली दी, और जो बेटा खुद के आगे माँ की बेइज्जती होते सहन कर पाए, फिर वह बेटा कैसा। कल आपके भी बच्चे होंगे, चाहे किसी के साथ भी हो, तब महसूस होगी माँ की महानता और प्यार। आपको दुल्हन बना के हम सफर बनाने लाया हो, जबरदस्ती करने नहीं। जब प्यार हो जाए तो भरपूर वसूल कर लूंगा आपसे, आपके हर गुस्ताखी का बदला हम शिद्दत से लेंगे। हम आपसे अगर आप मेरी हुई तो बेपनाह मोहब्बत करके, किसी और की हुई तो आपके हक में दुआएं मांग के। लड़की का फोन बज रहा था, जो वाइब्रेशन मोड पे था। लड़की अब दुल्हन बन चुकी थी, पलकों से आंसू गिर रहे थे। सिसकते हुए मोबाइल से पहले सिम निकाल के तोड़ा, फिर सारा सामान जैसा था वैसे रख के न जाने कब सो गई, पता नहीं चला। सुबह देर से जागी, तब तक गवार ऑफिस जा चुका था। पहले नहा धोकर साड़ी पहनी, लंबी सी सिंदूर डाली अपनी मांग में, फिर मंगलसूत्र, जबकि पहले एक टिक्की जैसी साइड पे सिंदूर लगाती थी ताकि कोई लड़का ध्यान न दे। मगर आज 10 किलोमीटर से भी दिखाई दे ऐसी लंबी और गाढ़ी सिंदूर लगाई थी दुल्हन ने। फिर किचन में जाके सासुमा को जबरदस्ती कमरे में लेके तैयार होने को कहती है, और अपने गवार पति के लिए थोड़े नमकीन, थोड़े हलवे और चाय बना के अपनी स्कूटी में सासुमा को जबरदस्ती बिठा कर, जबकि कुछ पता ही नहीं है उनको कि बहू आज मुझे कहां ले जा रही है, बस बैठ जाती है। फिर रास्ते में सासुमा को पति के ऑफिस का पता पूछकर ऑफिस पहुंच जाती है। पति हैरान रह जाता है पत्नी को इस हालत में देखकर। पति ने कहा, सब ठीक तो है ना माँ। मगर माँ बोलती, इससे पहले पत्नी गले लगाकर कहती है कि अब सब ठीक है, आई लव यू फॉर एवर।
ऑफिस के लोग सब खड़े हो जाते हैं तो दुल्हन कहती है कि मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ, बनवास गई थी, सुबह लौटी हूँ। अब एक महीने तक मेरे पतिदेव ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे। ऑफिस के लोगों ने कहा, क्यों? तब दुल्हन ने कहा, क्योंकि हम लंबी छुट्टी पे जा रहे हैं साथ साथ। पति ने कहा, पागल? दुल्हन ने कहा, आपके सादगी और भोलेपन ने बनाया है। सभी लोग तालियां बजाते हैं और दुल्हन फिर से लिपट जाती है अपने गवार से, जहां से वह दोबारा कभी भी छूटना नहीं चाहती। बड़े कड़े फैसले होते हैं कभी कभी हमारे अपनों के, मगर हम समझ नहीं पाते कि हमारे अपने हमारी फिकर खुद से ज्यादा क्यों करते हैं। माँ बाप के फैसलों का सम्मान करें, क्योंकि ये दो ऐसे शख्स हैं जो आपको हमेशा दुनियादारी से ज्यादा प्यार करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।